नाज़रीन, एक अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आई है और वो खबर ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान का माहिदा हो गया है। $3 अरब IMF से मिलेंगे, $2 अरब इस माहिदे के बाद सऊदी अरब से और $1 अरब UAE से मिलेगा। इस तरह से पाकिस्तान को जो ख़तरा था कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़तरा टल गया है और पाकिस्तान वक्ती तौर पर एक जो बहुत बड़ा बहरान था उससे निकल गया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने इस आज़म का इज़हार किया कि ये हमारा आखिरी IMF से जो वायदा हमारा है या कर्ज़ लेने का जो मामला है ये आखिरी होगा, इसके बाद पाकिस्तानी मईशत जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। ये बहुत एक अच्छा अज़म है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को जो है वो एक दूर रस किस्म की तवीलुल मियाद और बहुत देर से जिन असलाहत की ज़रूरत थी वो करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की मईशत के अंदर असलाहत नहीं की जाएंगी, पाकिस्तान को जो माशी मसाइल हैं वो वक्ती तौर पे तो कभी सऊदी अरब से, कभी UAE से, कतर से, अमेरिका से कहीं ना कहीं से माली इमदाद मिलेगी तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये मसाइल हल नहीं होंगे। IMF के वायदे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस को बेहतर करे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, टैक्स नेट को वसी करे, लेकिन अभी हुकूमत ने पिछले एक साल के दौरान जो है 9 माह इसमें लग गई माहिदा करने में, उसकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी रही, कमत तौर महंगाई हो गई, रोज़गार ख़त्म हो गया और लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार हुए। हुकूमत ने अपनी तरफ से तो हाथ पाँव मारे, कराची की बंदरगाह 5 साल के लिए UAE के हवाले कर दी, रोज़वेल्ट होटल भेज दिया, बहुत सारे एयरपोर्ट्स और दूसरी कौमी असासे जो है वो चंद मिलियन डॉलर्स के वज़ मुख्तलिफ ममालिक और कंपनीज़ के हवाले कर दिए, लेकिन ये कोई मुस्तकिल मसाइल का हाल नहीं है। मुस्तकिल मसाइल का हाल यही है कि आप जो है वो एक तो मुल्क के अंदर अख्तियार करें, सादगी अख्तियार करें, अशराफिया का जो लाइफ स्टाइल है ख़ासतौर पर सरकारी अफसरान का, सियासतदानों का, हुक्मरानों का जो लाइफ स्टाइल है अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ी बड़ी बिज़नेस कंपनीज़ के जो CEOs हैं वो भी वो लाइफ स्टाइल जो है अफोर्ड नहीं करते कि जो ये लोग इन लोगों ने सरकारी वसाइल से सरकारी वसाइल की बुनियाद पे ये कर रहे हैं, तो इसलिए इस लाइफ स्टाइल को भी बदलना होगा। पाकिस्तान में 22 लाख से ज़्यादा जो हैं वो दुकानदार हैं, हर दुकानदार को, हर बिज़नेस को, उसको जो कोई भी बिज़नेस हो उसे टैक्स के नेट में लाया जाना चाहिए। इसी तरह जितने भी अमीर लोग हैं कुछ ना कुछ टैक्स तो वह देते हैं, लेकिन मोस्टली वो अपना टैक्स बचा जाते हैं मुख्तलिफ हीले बानों से, तो टैक्स का जो पूरा निज़ाम है उसको खुदकार बनाने और उसे इस तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि कोई भी शहरी टैक्स बचाने में कामयाब ना हो बल्कि वो रियासत को टैक्स अदा करे। इसके अलावा जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और पिछले एक साल में हमने देखा कि बार बार ये बात कही गई कि जी मीसाक मईशत होना चाहिए, एक अच्छी बात है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पार्टी को या किसी भी शख्स को इसके ऊपर इख्तलाफ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जो है वो एक सियासी इस्तकाम पैदा किया जाए, डायलाग की एक फ़ा पैदा की जाए, और ये हुकूमत का काम था, प्राइम मिनिस्टर का काम था कि वो एक सियासी माहौल पैदा करते। अफसोस की बात यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जो बहुत ज़्यादा तनाव का है, कशीदगी का है, और ऐसा लग रहा है कि सारी कुव्वतें मिल के सिर्फ एक पार्टी को दीवार के साथ लगा रही हैं और उसके लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, और इख्तदार जो है वो चंद अफराद जो हैं वो दुबई में बैठ के या कहीं भी बैठ के उसका फ़ैसला करेंगे कि मुस्तकबिल का क्या नक्शा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करें, सेकेंडली आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन को इंश्योर करें, और कोई किसी पार्टी को भी या किसी फर्द के लिए ये मौका ना पैदा करें कि वो कल ये झंडा लेके फिर खड़ा हो जाए कि हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, या शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, या मेरी पार्टी को तोड़ दिया गया। इसके नतीजे में फिर वही हालात रहेंगे जो पिछले हमने 5 साल में देखे, बल्कि 10 साल में देखे। तो पाकिस्तान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सियासी इस्तकाम है, और सियासी इस्तकाम जो है उस वक्त तक नहीं पैदा हो सकता ये जब तक कि हम फेयर, फ्री, शफाफ, काबिल भरोसा इलेक्शन नहीं करवाते और तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शरीक होने की इजाज़त नहीं देते।
जब तक ये इजाज़त नहीं होगी और ऐसा प्रोसेस हम को बनाने में कामयाब नहीं होंगे, तो हमने हमेशा से ये देखा है कि पाकिस्तान में आए थे जितने भी इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद अगले 5 साल जो है अपोजिशन ने उस जो भी पार्टी जीत कर आई उसे हुकूमत नहीं करने दी गई। तो सारा जो रास्ता है मुल्क में मईशत की बेहतरी का, वो सियासी इस्तकाम के ज़रिए से मुमकिन है, और सियासी इस्तकाम सिर्फ उसी वक्त आएगा कि जब एक काबिल बहरूसा जनरल इलेक्शन होंगे।